अच्छा जी, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्यू आर्नल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर। कल हमने इसके पूरे चैप्टर की एक क्रिटिकल समरी पढ़ी थी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ्यू आर्नल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर। मैथ्यू आर्नल्ड वाज वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन ब्रिटिश पॉलिटिकल एंड पोलिटिकल राइटर्स इन हिज लाइफ टाइम। ऑल्दो ही इज नॉट नोन प्राइमरीली फॉर हिज पोएट्री, ही वाज मोस्ट प्रोवोक in his own Victorian society through his characteristics and political writing. Culture and Anarchy, a long series of essays written by Arnold, was a political and social critic. अब ये जो कल्चर है एनआरसी जो है वो क्या है, वो एक पॉलिटिकल और सोशल क्रिटिक है जिसके अंदर उसने दो कॉन्सेप्ट बताए थे, एक कल्चर का और एक एनआरसी का। During the late 1860s, Matthew Arnold witnessed the downfall of feudalism and the inception of modern era. 1860 के end में Matthew Arnold ने एक downfall बताया feudalism को, का feudalism का, ये जो जागीरदाराना निजाम है उसका जो है एक downfall दिखाया and the inception of the modern era. और उसने modern era का एक start दिखाया. He saw the increase in personal freedom. उसकी वजह से एक पर्सनल फ्रीडम में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया एज अ लॉजिकल स्टेप इन मॉडर्नाइजेशन। और इस मॉडर्न स्टेप में जो लॉजिकल जो मॉडर्नाइजेशन में जो लॉजिकल स्टेप था वो बेसिकली क्या था, इंक्रीज इन पर्सनल फ्रीडम। आज भी हम पर्सनल फ्रीडम की बहुत ज्यादा बात करते हैं। बट ही फियर्ड दैट सेलिब्रेटिंग फ्रीडम फॉर फ्रीडम सेक माइट लीड टू एनार्की। अब वो एनार्की को क्या कहता है, वो कहता है अगर हम इस पर्सनल फ्रीडम को सेलिब्रेट करेंगे फॉर द फ्रीडम सेक कि जी बस हमें आजादी चाहिए, तो इसकी वजह से एक एनार्की, हर बंदा अगर अपनी मर्जी से जो है कुछ भी बोल देगा तो फिर क्या होगा, फसाद पैदा होगा, तो उसकी वजह से कल्चर बर्बाद हो जाएगा। आर्नल्ड सजेस्ट टू प्रिवेंट एनार्की वाइल रिटेनिंग सेंसिबल नोशंस ऑफ फ्रीडम। और वो सजेस्ट करता है कि एनार्की को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए, वाइल रिटेनिंग सेंसिबल नोशंस ऑफ फ्रीडम, जबकि हम एक सेंसिबल नोशंस ऑफ फ्रीडम को रिटेन करना चाहते हैं, देयर ऑट टू बी अ सेंट्रल अथॉरिटी, एक सेंट्रल अथॉरिटी होनी चाहिए, एक रूल एंड लॉ की कंडीशन होनी चाहिए विच प्रपोजेस अ पैरागॉन और आइडियल मॉडल, जो कि एक प्रपोज करे एक आइडियल मॉडल को, यानी कि हम एक फॉलो करें एक पैरागॉन को या आइडियल मॉडल को या रूल्स एंड लॉस को। द पैरागॉन इज कल्चर, और वो कल्चर होता है, ठीक है, वो पैरागॉन जो है वो कल्चर है कि अगर आप कल्चर के साथ स्टक रहेंगे और उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ बाउंड रहेंगे तो आप एनार्की से बच जाएंगे, फसाद से बच जाएंगे। कल्चर इज अपोज टू एनार्की इन द सेंस, ठीक है, कल्चर जो है वो टोटली अपोजिट है एनार्की का। एंड दैट एनार्की इज अ फ्री फॉर ऑल, कि एनार्की तो सबके लिए जो जो मर्जी कुछ करे, वाइल कल्चर इज द डेलिबरेट सर्च फॉर द बेस्ट वे टू लिव, जबकि कल्चर जो है वो एक डेलिबरेट सर्च है कि हम बेस्ट वे टू लिव यानी कि बेहतरीन तरीके से जीने का नाम है। आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक एंड अदर इंटेलेक्चुअल एक्सप्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी और एज इस डेफिनेशन ऑफ कल्चर गिवन इन ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी। और ये आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक और अदर इंटेलेक्चुअल एक्सप्रेशन जो हैं ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी और एज वो क्या हैं, वो डेफिनेशन ऑफ कल्चर हैं जो कि इन ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी में बताया गया है। एंड इनसाइक्लोपीडिया मे वेरी विद द डेफिनेशन ऑफ मे कॉम्प्लाई, बट मैथ्यू आर्नल्ड हैज अ टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर, लेकिन मैथ्यू आर्नल्ड का एक टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है कल्चर का। अब देखते हैं कि मैथ्यू आर्नल्ड क्या कहता है कल्चर और एनार्की के बारे में। इन कल्चर एंड एनार्की आर्नल्ड प्रेजेंट्स अ थ्योरी ऑफ कल्चर दैट कंटिन्यूज टू इन्फ्लुएंस थिंकिंग अबाउट द वैल्यू ऑफ ह्यूमैनिटीज इन हायर एजुकेशन। वो वैल्यू ऑफ ह्यूमैनिटीज की बात करता है इन हायर एजुकेशन। टू हिम कल्चर इज अ स्टडी इन परफेक्शन, कल्चर एक स्टडी है इन परफेक्शन, इन मेकिंग थिंग्स बेटर, दे आर मूव्ड बाय मॉरल एंड सोशल पैशंस फॉर डूइंग गुड। और क्या है, ये स्टडी इन परफेक्शन है इन मेकिंग थिंग्स बेटर, कि चीजों को बेहतर बनाया जाए, मामलात को बेहतर बनाया जाए, देन दे आर जितने वो हैं उससे बेहतर बनाया जाए, मूव्ड बाय मोरल एंड सोशल पैशन, जो कि मूव्ड हो बाय मोरल और सोशल पैशन पे फॉर डूइंग गुड, कि हम बेहतर से बेहतर कुछ करें। ही नोट्स दैट रिलीजन सजेस्ट दैट किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू,
और वो ये भी कहता है कि रिलीजन ये सजेस्ट करता है कि किंगडम ऑफ गॉड जो है वो आपके साथ है, खुदा की खुदाई आपके साथ है. सो कल्चर प्लेस परफेक्शन इन एन इंटरनल कंडीशन. तो वो आपकी जो स्पिरिचुअल कंडीशन है, जो आपकी इंटरनल कंडीशन है, जब आप फुल ऑफ फेथ होते हैं तो उसको वो एक जो है परफेक्शन देता है. फिर वो कहता है, he noted that religion suggests that kingdom of God is within you, so culture places perfection in an internal condition. आपकी internal condition को अगर कोई चीज perfection देती है, वो आपकी जो है Hebraism, जो Hebraism और Hellenism का कल हमने concept पढ़ा था, ये actually उसकी बात हो रही है. He defines culture in idealistic terms as something to strive for, and in this respect, this theory differs from anthropological counterpart. और वो कल्चर को कैसे डिफाइन करता है कि ये एक आइडियलिस्टिक टर्म है और कभी कभार जो है ये स्ट्राइव करती है फॉर एंड इन रिस्पेक्ट हिज थ्योरी डिफर फ्रॉम एंथ्रोपोलॉजिकल. एंथ्रोपोलॉजिकल काउंटर पार्ट से ये टोटली डिफरेंट है. एंथ्रोपोलॉजी व्यूज कल्चर नॉट एज समथिंग टू बी एक्वायर्ड. एंथ्रोपोलॉजी जो है कल्चर को कुछ ऐसी चीज तसव्वुर नहीं करती जो कि एक्वायर की जाती है, ठीक है, अडॉप्ट की जाती है, बट रादर अ होल वे ऑफ लाइफ, बल्कि उसको एक होल वे ऑफ लाइफ समझा जाता है. समथिंग वी ऑलरेडी हैव कल्चर, कभी कभार हमारा ऑलरेडी हमारा एक कल्चर होता है. कल्चर हाउएवर शोज इट्स सिग्नल सिंगल माइंडेड लव फॉर परफेक्शन. और कल्चर क्या शो करता है, लव फॉर एक सिंगल माइंडेड लव फॉर परफेक्शन शो करता है. इट डिजायर सिंपली टू मेक रीजन एंड विल ऑफ गॉड प्रिवेल. और उसकी डिजायर क्या होती है, सिंपली टू मेक रीजन, के उस रीजन और विल ऑफ गॉड उसके अंदर प्रिवेल होती है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि हेलेनिज्म और हेबरिज्म उनके अंदर दोनों चीजें होती हैं. हेबरिज्म हम विल ऑफ गॉड कह सकते हैं और हेलेनिज्म हम टू मेक रीजन टू बिटिफाई इट, ठीक है, लव फॉर परफेक्शन. ये उसकी हेलेनिज्म, जब आपका हेलेनिज्म वाला और हेबरिज्म वाला क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें ये कोट लिख सकते हैं. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑर्नल्ड्स थ्योरी ऑफ कल्चर दैट द परफेक्शन इज नॉट जस्ट पार्शियल परफेक्शन. परफेक्शन इज ऑन वन साइड ह्यूमन नेचर. कल्चर व्हेन यूज्ड टू रेफर टू द एक्वायरमेंट ऑफ नॉलेज ऑफ ग्रीक एंड लैटिन इज रेफरिंग टू एनी पार्शियल परफेक्शन. आर्नोल्ड आर्ग्यूज दैट देयर मस्ट बी थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ परफेक्शन. थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ परफेक्शन होते हैं pursued by culture. It must be harmonious perfection, general perfection, and perfection in action. Thus, culture is the development of all sides of human nature. Or culture kya hai, wo development hai of all sides of human nature. Arnold recommended culture as the great help out of our present difficulties. Culture jo hai, wo great help out hai hamari present difficulties ki. Culture being a pursuit of total perfection by means of getting to know. कल्चर जो है एक बेहतरीन परस्यूट है ऑफ टोटल परफेक्शन बाय मींस गेटिंग टू नो, कि आप कुछ जानते हैं, ठीक है, आप कुछ जान जाते हैं ऑन ऑल मैटर्स, तमाम मैटर्स में विच कंसर्न अस, जो जिससे हम कंसर्न होते हैं, जो हमसे कंसर्न होता है. द बेस्ट विच हैज बीन थॉट एंड सेड इन द वर्ल्ड. बेहतरीन वो परस्यूट्स, वो परफेक्शन या वो इल्म जो हम जानना चाहते हैं, जो कि हैज बीन थॉट एंड सेड इन द वर्ल्ड, जो बेहतरीन चीज दुनिया में कही जाती है और सुनी जाती है, उसको सोची जाती है, उसी को हम ये बेहतरीन परस्यूट ऑफ टोटल परफेक्शन कहते हैं. अकॉर्डिंग टू कल्चर आर्नोल्ड, कल्चर हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन टू फुलफिल फॉर मैनकाइंड. वी सॉ कल्चर एज द आंसर टू मेनी ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ द टाइम. Culture is a way of leading people to think clearly about the problems of society, a way of ensuring that people critically assess their beliefs and habits so that society could progress. Culture teaches us characters of perfection. He adds further to it by mentioning two very essential elements of culture which makes a man truly culture. According to Arnold, culture is not satisfied till we all come to a perfect man. Culture जो है उस वक्त तक satisfied नहीं होता जब तक कि हम सब एक perfect man ना बन जाए. It knows that sweetness and light of few must be imperfect. कि कुछ लोग अगर culture में कुछ लोगों के अंदर sweetness और light है तो ये must be imperfect. तो ये imperfect है. Until the raw and unkindled masses of humanity are touched with sweetness and
लाइट, यहाँ तक कि हर रॉ एंड अनकिंडल मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी कि हर इंसान, हर छोटा बड़ा इंसान जो है वो इस कल्चर की स्वीटनेस और लाइट से टच हो जाए. One should culture oneself, तो हर इंसान अपने आप को कल्चर कर सकता है. Try to attain the best cultural existence, और खुद से भी कोशिश कर सकता है वो कि वो बेस्ट कल्चरल एग्जिस्टेंस हासिल कर सके. Arnold expands on the idea, on his idea of culture to include scientific curiosity, morality and beauty. In other words, we should be guided by culture to strive for artistic, humanistic and scientific perfection. We are free to do what we want, but we should culture ourselves. वो कहता है कि हम जो हैं, हम we are free to do, कि हम free हैं, कि हम जो चाहे मर्जी करें, but what we want, but we should culture ourselves. कि जो हम चाहते हैं हम फ्री हैं कि हम वो कर सकते हैं, लेकिन हमें अपने आप को कल्चर करना है, यानी कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस के अंदर, कुछ बाउंड्रीज के अंदर रह के हमें ये रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं. वी कैन बी फ्री एंड ऑर्नर्ड प्रपोजेस दैट वी यूज दैट फ्रीडम. कहता हम फ्री हो सकते हैं और ऑर्नर्ड ये भी प्रपोज करता है कि हम यूज करते हैं इस फ्रीडम को नॉट फॉर इट्स ओन सेक, इसकी अपनी सेक के नहीं, सेक के लिए नहीं, बल्कि बिकॉज इट कैन लीड टू anarchy, बट टू इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली स्ट्राइव फॉर परफेक्शन. लेकिन इंडिविजुअली और कलेक्टिवली हम स्ट्राइव करें परफेक्शन के लिए. अकॉर्डिंग टू स्टीफन कॉलिन, कल्चर इज एन आइडियल फॉर्म ऑफ ह्यूमन लाइफ, अ स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस एंड फुलनेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अवर कैपेसिटीज, एस्थेटिक एंड इंटेलेक्चुअल एंड मोरल. Arnold further strengthens his faith in culture by universalizing his concept of culture when he says culture isn't making endless addition to itself. Culture jo hai wo endless addition banata hai to itself in the endless expansion of its powers, in endless growth and wisdom and beauty that the spirit of human race finds its yield to reach this ideal. Culture is an indispensable aid and that is true value of the culture. Arnold openly abolishes the class complexities on the basis of culture. His basic aim is to spread the essence of true culture to the society. Uska basic aim kya tha ki wo true essence of true culture jo hai wo society mein bakhere. He has quite vividly mentioned in his book that we culture, that when culture is truly cultivated, the social class gets destroyed. कि उसने ये कहा कि जब कल्चर जो है वो ट्रूली कल्टिवेट होता है तो सोशल क्लास जो है वो खत्म हो जाती है. Arnold is of the opinion that culture is one integral part and cannot be separated with infinity. He suggests that culture is not a badge that only some people or a particular class of society has got while others remain deprived of it. वो कहते हैं कि कल्चर सिर्फ एक किसी एक क्लास का बैज नहीं है कि सिर्फ वही उसको फॉलो करेंगे और बाकी उसको फॉलो नहीं करेंगे. Rather he condemns such narrow-minded and biased beliefs of conservative people who remain dormant in their excessive pride. Meanwhile, conclusion can be driven out of yet once more another Arnold's own interpretation of an ideal culture. He states culture may with advance continue to uphold steadily its ideal of human perfection in an inward spiritual activity. Wo kehta hai ki culture may with advantage continue to uphold steadily its ideal of human perfection. Ki culture jo hai wo uske may with advantage uske andar ye fayda hai ki aap continue kar sakte hain to uphold steadily its ideal of human perfection. Ki aap ideal of human perfection ko pa sakte hain in an inward spiritual activity. Inward spiritual activity ke sath sath having for its character, jinka jab aapke andar inward spiritual activity hogi to kya hoga, to having its characters ke phir us culture ke logon ke apne बहुत अच्छे कैरेक्टर्स होंगे. इंक्रीज स्वीटनेस, उनकी स्वीटनेस इंक्रीज होगी. इंक्रीज लाइट, उनकी लाइट इंक्रीज होगी. इंक्रीज लाइफ, उनकी लाइफ इंक्रीज होगी. एंड इंक्रीज सिंपथी, और उनकी सिंपथी भी इंक्रीज होगी. ये एक्चुअली जो उसका फर्स्ट चैप्टर है, जो फर्स्ट सेक्शन है स्वीटनेस एंड लाइट,
ये उससे कोट ली गई है, और यहाँ पे वो एम्फेसिस करता है कि स्वीटनेस और लाइट जो है एक कल्चर के अंदर प्रमोट करने के लिए क्या करना चाहिए, और कल्चर किस तरह से उसके अंदर ये एडवांटेज है कि वो इंसानों के अंदर स्वीटनेस और लाइट जो है वो ड्वेल कर सकता है. इन अ नटशेल, द परस्यूट ऑफ परफेक्शन देन बिकम्स द परस्यूट ऑफ स्वीटनेस एंड लाइट, एंड ही हु वर्क्स फॉर स्वीटनेस इन द एंड डज समथिंग फॉर लाइट एज वेल. He who works light advances towards sweetness also, but the one who works for both sweetness and light simultaneously struggles to make the reasons and will of God prevail, which is the essence of culture in all mind. जो कि essence है culture का. अब वो उसी sweetness और light की बात करता है simultaneously, जो struggle to make reason, जो इसके struggle करती हैं reason के लिए कि वो reason यानी कि कोई on the base of reason, logic and will of God prevail. और जो कि एक अच्छे कल्चर का जो है एक अच्छे कल्चर का एसेंस है आर्नल्ड आर्नल्ड की नजर में. ये हमारा आज का लेसन जो है एंड हो गया है. ये एक्चुअली कल्चर और स्वीटनेस एंड लाइट के ऊपर एक्चुअली उसका एक छोटा सा क्रिटिकल एप्रिसिएशन थी. कल हम इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट लेसन के ऊपर बात करेंगे.